सत श्रीकाल जी सारे नूं, स्वागत है थोड़ा मंदर बाई यूट्यूब चैनल पर। तो अज आप वेख ही ले कि फसल आ ये बारे करते गलबात भी आप कि खर्चा करता तो कि थां है कि बीज पिया तो कि वरायटी है ये तो कि तरीक न बीजी सारा कुछ आप दसते हैं। तो पहला वेख लो इस तरह ये चार कनाला थां है आ हुण तुसीं टका के वेख लो हुण आपां करदे वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करन तों पहलां जिहड़े भरा अपने चैनल ते नवें चैनल नूं कर लो सबसक्राइब ते बैल आइकन दबा लो तां कि आउण वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। ते इह हैगी आ बाई जी सरों अपनी ये आप बीजी वड वाले थान भी जिमें पठे वड के ते उत्थे बीजी है ये जवार सी इत्थे कांगड़ उहदा कद भी 13-14 फुट सी ते फिर उत्थे आप बीजी सी ये पहला वाह के रौनी करके कस्सी दे पानी नाल भर के ते फिर आप बीजी सी तो वरायटी हैगी 45S46 पाइनर दी थले पहला आप वाहन तो पहला आप खिलारी सी अद्धा गट्टा डाई दा होर कुछ नहीं पाया तो जहाँ जो पहला पानी लाया उदो आप पाया सी अद्धा गट्टा यूरिया दा ते बाकी होर कुछ नहीं पाया इहदे च एक ही स्प्रे कीती है ते पानी इहनू लाया दो पहले पानी तेरे पाई सी ते पानी इहनू दो लग गए। ते जे तुसीं वेखोगे ना भी इहदा वजन झाड़दा तां पता नहीं की बनूगा मालक नूं पता उहदा ते जे आपां वेखीए फलियां च सरों तां बणी पई है आ देखो बाकी इहदा झाड़ वी कहिंदे आ वेख इहदा झाड़ा तो 14 क्वांटल तक हो जाता 15 क्वांटल तक चंगी भारिया जमीन च किले का तो पर पता लगू जो झड़ू तो भारी बहुत है ये भारी तो तुम आख लो हम लिफी पई है जो थोड़ा मैं दूरों विखाव ना आ पई तो नाल लगन वाली हुई पई है देख एक तो होंगे ना पानी पुनी लगे तो हवा वगी सी पानी तो अपने दो ही लाए है पानी तो लाए नहीं वाहन तो चढ़िया पाया थल्यों तो भी वजन ही उत्तों इन्ना बनया पाया। तो दूजी गल ये जिवें मक्की बीजने वाले भी यह बदल बन सकती है यानी कि जे आप कणक मक्की बीजते हैं तो आप लेट कर दें कणक लेट वो ए कर दें जो आप तूड़ी बना के उन्होंने बीजते हैं तो वो फिर अगे वढ़न वेले लेट हो जाती है तो फिर वह चार नहीं पैंता उदों मीह कणी पैन लग जाते फिर टोजन पा पा ट्रालियां कढ़निया पैनिया फिर खबल खजल खुआर बाला होई दा। तो जे मान के चलो आप जो कोई 8-10 किलों की वाही करता जे 2 किले जे सरों बीज लिया करे बाली नहीं बाला फिर कई बार कह दिया नुकसान हो जाता है तो पर नुकसान वाला काम नहीं लगता हुण तां बीज इहो जिहे आ गए जिहड़े भी ठंड भी झलदे आ कोहरा भी झलदे आ गर्मी भी झलदे आ तो जे 2 किले बीज के तो उत्थे मक्की बीज लिया करे चार वाली या पकावी तो वो मक्की वाले थां फिर बीज ला लिया करे 26 झोना ये ना बाले फायदे होंगे एक तो पशु वास्ते चार बन जाता है एक कणक तीन चार पानी लग जाती है ये 2 पानिया नाल ते गट्टा रेह दा जिवें आप 4 कनाला च अद्धा गट्टा ही पाया तो गट्टा रेह दा ते 2 स्प्रेयां कर लो आपां एक ही कीती है मान के चलो 2 स्प्रेयां इन्ना खर्चा हुंदा इहदे ते बाकी इहनू वढ के गेती फिर इत्थे मक्की बीजी जांदी है मान लो जिहने 2 किले बीजी आ सरों ते गेती मक्की बीज के फिर उहदा 4 वी गेता पै जांदा है टाइम नाल वाहन वेला हो जांदा है उत्थे 26 झोना लग जांदा है जां बासमती लाउणा तो झोना वह जो 26 है जोड़ा
ਵੀ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, 90-90 ਮਣ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬੀਜ ਕੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, 5,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 50,000 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਅਤੇ ਉਨੇ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਦਾ ਇਹਦੇ ਹਲਥਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਕੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 26 ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਿੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬੀਜੀ, ਜੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਣ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹਰੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡੌਂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਚੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ, ਉੱਤੋਂ ਰੌਣੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ।